बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफरीन फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कम मसालों वाले कीमे की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। बहुत ही कम मसालों के साथ मैं ये बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1/4 किलो कीमा ली हूँ, हाथ का कीमा है ये। मैं इसको कुटवा के लाई हूँ। अभी इसको मैं एक कुकर में डाल लूँगी। पहले मैं इसको उबाल के बना रही हूँ। उबाल के बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अभी मैं इसमें एक बड़ा प्याज काट के ली हूँ स्लाइस में, ये डाल दूँगी। और 4 हरी मिर्ची को कट करके ली हूँ आधे पर से, ये डाल दूँगी। और 4-5 लहसुन के कली हैं, ये भी डाल दूँगी। 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 2 छोटे चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल ज़्यादा नहीं डालूँगी, बाद में मुझे तेल डालना है। चीज़ों को मिक्स करके 4 से 5 सीटी इसको लगा लूँगी, ताकि सब चीज़ भी मिक्स हो जाए और कीमा भी अच्छे से पक जाए। इसको बनाना बहुत आसान रहता है और ये जल्दी बन जाता है। बस कीमा मेरा उबल गया है। मैं इसका गैस बंद कर दूंगी, जब तक इसका सीटी निकलेगा जब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसालों में मैं हरा मसाला यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हरा धनिया और पुदीना सबसे ज़्यादा ली हूँ, और एक बड़े साइज का टमाटर कट करके ली हूँ, और 5 से 6 हरी मिर्ची ली हूँ आधे पर से कट करके, और ये लहसुन के कली 12 से 15 है, और अदरक के कुछ टुकड़े हैं। सब मसालों को मैं पीस के लूँगी। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद से ज़्यादा कम तीखा कर सकते हैं। सभी मसालों को मैं एक साथ पीस के ले लूँगी। अभी एक कढ़ाई ली हूँ मैं, इसमें तेल डालूँगी। तेल लगभग मेरा 150 ग्राम के करीब है। और अभी मैं इसमें कुछ अखा मसाला डाल रही हूँ, जो खुशबूदार मसाला है, जिसमें एक तेज पत्ता ली हूँ, थोड़ा सा पोस्ता दाना है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग है और 2 हरी इलायची है। इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है। मसाले का कलर चेंज हो गया है। अभी एक बड़े साइज का प्याज मैं एकदम बारीक टुकड़ों में कट करके ली हूँ, ये डाल दूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें हरा मसाला जो पीस के रखी थी ये ऐड करूंगी। अभी इसको मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए भून लूंगी। आप इसमें चाहें तो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं मसाला ज़्यादा नहीं डालूंगी कीमा में, इसके लिए मैं वो सब स्किप कर दी हूँ, मैं नहीं डाली हूँ। ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। 5 मिनट हो गया है मसाला भूनते, खुशबू मसाला बहुत अच्छा आने लगा है। अभी मैं इसमें कुछ और मसाला ऐड करूँगी। 1 चम्मच जीरा पाउडर है और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। पूरी मैं ताज़ा फ्रेश दही डाल रही हूँ इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं नमक ऐड करूँगी। नमक मैं पहले भी डाली थी, उसी हिसाब से नमक डालें, कम ज़्यादा नहीं हो जाए। और दही डालने से इसका कलर भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से आप कीमा बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, बहुत अच्छा कीमा बनता है। अभी इसको मैं 10 मिनट के लिए एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनूंगी। 10 मिनट हो गया है मसाला भून के, मसाला कलर एकदम अच्छा आ गया है और खुशबू भी अच्छा आने लगा है। अभी मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी। मसाला भुना गया है मेरा, कीमा मेरा एकदम अच्छे से भुना गया है। आप देख सकते हैं, मैं इसको अलग से उबाल के ली थी तो एकदम पक गया है, एकदम गल गया है। अभी इसको मैं 5 मिनट के लिए उसमें पका लूंगी। इतनी जल्दी ये झटपट, ये ऐसे बनाओगे आप तो एकदम झटपट बन के रेडी हो जाता है।
अभी मैं इसमें कीमा ऐड कर दी हूँ। अभी कीमा ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए और भून लूंगी। अगर पानी का जरूरत पड़ेगा तो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी, ऐसे ही रहने दूंगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना रख सकते हैं। ये मसालों के साथ 10 मिनट पक के एकदम अच्छा मिक्स हो जाएगा और कीमा तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। अभी मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बीच में एक दो बार चेक कर लूंगी। कीमा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको इसमें पानी डालना है तो आधा गिलास ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा सूखा लग रहा है। अगर नहीं ऐड करना है तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना कम मसाला मैं डाल के बनाई हूँ, एकदम इसमें कीमा कीमा ही पता चल रहा है। अभी मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी तो सर्व करने के लिए रेडी है कीमा मेरा। आज का वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।